लड़कियों को कौन से बॉयफ्रेंड अच्छे लगते हैं, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन में काफ़ी सारे लड़कों के फ़ोन आते रहते हैं। एक लड़के का फ़ोन आया कि उसका यह था कि भाई अभी गर्लफ्रेंड जो है वो मेरी तरफ उतनी देखती नहीं, उतनी बात नहीं करती है, पता नहीं वो मुझे लाइक करती कि नहीं करती, क्या वो मेरे से दूर जा रही है और मैं उससे बहुत डिस्टर्ब हूँ, डिप्रेस हूँ। तो बात जब निकली ऐसी तो मैंने उसको ये बताया कि देखिए लड़कियों को एक ऐसा कुछ उनका एक सेटअप रहता है और अलग अलग पांच उनके जो गुण रहते हैं वो पांच गुण जिसमें है वो लड़के उनको अच्छे लगते हैं। और कभी हो जाता है ऐसा कि वो पांच गुण नहीं दिखे तो वो लड़की दूर जा सकती है। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर पांच गुण कौन से हैं तो ये हम देखेंगे। तो जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसको मैंने बता दिया कि भाई पांच गुण कौन से हैं और वो आप अपने में डेवलप कर सकते हैं क्या। तो देखिए पहला गुण जो है कि क्या आप वो गर्लफ्रेंड जो आपकी है या स्त्री है या पत्नी होंगी, क्या उसकी आप केयर लेते हो। कोई भी लड़की को या पत्नी को या स्त्री को अपनी केयर लेने वाला पुरुष बहुत अच्छा लगता है। उसका थोड़ा भी सर दर्द हो रहा है, उसको थोड़ी भूख भी नहीं लग रही है, उसको थोड़ी आँख में जलन भी हो, थोड़ा भी कुछ तो भी हो रहा है, मगर वो पुरुष जो है वो जो बॉयफ्रेंड है वो उसकी केयर ले रहा है, पूछ रहा है, तो उसको लगता है कि ठीक है मेरे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा है, मेरी बहुत केयर करता है, उसको महत्व दिया तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मुझे इंपॉर्टेंस है, मेरा कोई सिग्निफिकेंस है जब कोई केयर लेता है। तो केयर लेने वाला नंबर एक। नंबर दो, उसको उसके काम में मदद करने वाला। अब उसके खुद के जो काम रहते हैं उसमें मदद करने वाला यदि लड़का रहा तो उसको अच्छा लगता है, वो बॉयफ्रेंड हो या पति रहो। अब बॉयफ्रेंड समझो तो उसके कौन से काम रहते, हो सकता है कि उसको कोई उसका बाइक का काम होगा, उसका कोई मोबाइल चार्ज होगा, या उसका मोबाइल दुरुस्त करना होगा, या उसका लाइसेंस रिन्यू करना होगा, या जो भी कुछ है, या उसको पढ़ाई में कुछ मदद कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ सपोर्ट उसको कर रहा है, तो उसको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए एक सपोर्ट करने वाला एक व्यक्ति है कि जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो वो उसको वो लाइक करती रहती है। पति पत्नी में भी यही है कि यदि पति पत्नी की तरफ देखता है, उसको सपोर्ट करता है, उसके काम में सपोर्ट करता है, तो पत्नी पति को बहुत लाइक करती है। ये हो गया नंबर दो। नंबर तीन, लड़कियाँ या स्त्री है ना बहुत भावुक रहती है, इमोशनल रहती है। तो याद है कि इमोशनल जो पुरुष है उसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत रफ टफ स्वभाव के जो है, जो कैरी करते नहीं है, रो रही था क्यों रो रही है, रोने को क्या हो गया, या सेंसिटिव हो गया था क्या सेंसिटिव है, ऐसा बोलने वाले जो लोग रहते हैं उसको अच्छे लगते नहीं है, समझो वो इमोशनल है। और उसके इमोशन में उसको भी, उसके बॉयफ्रेंड को या पति को भी लगता है कि नहीं ठीक है उसके इमोशन, मतलब वो उसके साथ में उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, दुख है या सेंसिटिविटी हो गई है, तो फिर उस समय उसके साथ में है, वो भी भावनिक है, तो उसको अच्छा लगता है, वो पुरुष उसको अच्छा लगता है, उससे वो प्यार करती है। यह तीसरा गुण की भावनिक पुरुष। चौथा जो है वो है ज़्यादा कमाई करने वाले लड़के या पुरुष। जो लड़का ज़्यादा कमाई करता है, कमाई करने वाला लड़का यदि रहा तो उसके तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, उसको मालूम है कि यदि कमाई करने वाला है तो ये मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकता है ये, तो उसको एक पैसा ऐसा जो जिसको लगता है उसके तरफ अट्रैक्ट होने वाली लड़कियां बहुत सारी रहती है। और यदि ज़्यादा कमाने वाला है वो, या फिर उसके घर का बहुत वातावरण बहुत है, बहुत रिच हो, अमीर हो वो लड़का, अमीर घर का हो, उसको घर से पैसे मिल रहे खर्च करने के लिए, बाइक है, कार है, या फिर और कोई व्हीकल है, तो जिसके साथ में वो मतलब घूम फिर सकती है, मजा कर सकती है, तो उसको वो अच्छा लगता है। ये हो गया नंबर चार। नंबर पाँच, उसको सरप्राइज देने वाले पुरुष अच्छे लगते हैं। उसका बर्थडे है तो एकदम सरप्राइज कुछ तो भी दे रहे हैं जो उसको मालूम ही नहीं, उसने अपेक्षा भी नहीं कही होंगी, या मैरिज एनिवर्सरी है, या उसने कुछ अच्छा कुकिंग किया, समझो कभी प्लेट अच्छी बनाया, उसके लिए उसको कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं, सरप्राइज दे रहे हैं, या फ्रेंडशिप डे है, वैलेंटाइन डे है, उसके ऊपर सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं, या कुछ तो भी उसको मतलब ऐसा एक मैसेज भेज रहे हैं कुछ तो भी कि जो उसको कभी अपेक्षा नहीं किया था उसकी, और वो यदि दे रहे तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि एकदम हाँ एक्सपीरियंस आता है उसको कि अरे बहुत अच्छा है लड़का या बहुत अच्छा है मेरा पति। तो ऐसे ये पांच है कि जो स्त्री एक पुरुष में देखती है और वो यदि दिखा तो उसके तरफ अट्रैक्ट होती है, वो चाहती है उसको। तो यदि हम गुण अपने में नहीं है तो कम से कम हम अपने में ला सकते हैं गुण, और वो गुण लाते हैं तो डेफिनेटली सामने वाले व्यक्ति आपके ऊपर प्यार करेगी, आपको चाहेगी, आपकी दोस्ती अच्छी रहेगी और आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। जो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को शेयर करो। काफ़ी सारे ब्रेकअप्स होते हैं, काफ़ी सारे डिप्रेशन होते हैं, उसमें फिर वो सुसाइड कर लेते हैं, तो हम काफ़ी सारे सुसाइड इससे बचा सकेंगे। आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन वेबिनार्स, सेमिनार्स, वीडियो
कॉन्फ्रेंस चलते रहते हैं, यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव, तो उसमें भी आप ज्वाइन होके मेरे साथ आप बातचीत कर सकते हैं। हमारा आप ऐप भी डाउनलोड कीजिएगा, उसमें भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।